पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं बाड़मेर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सर्किट हाउस पहुंचे हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक और उसकी तस्वीरें अभिनंदन मुख्यमंत्री का बाड़मेर में आप देख रहे हैं। कैलाश चौधरी उनके साथ, के बिश्नोई साथ में मौजूद हैं और यहां पर बैठक होनी है बेहद महत्वपूर्ण। सर्किट हाउस से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं एक बार आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले पुष्प अर्पित करने के साथ साथ इस बैठक की शुरुआत अब से थोड़ी देर में हो जाएगी। संबोधन मुख्यमंत्री का होगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भरने की कोशिश, एक बूस्टर डोज के तौर पर इसे देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इससे पहले दर्शन पूजन का कार्यक्रम सम्मेलन में शामिल और अब कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री फोकस, कार्यकर्ताओं से संवाद और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी तैयारी थी परंतु विलंब के कारण जनता के बीच पहुंचना, हालांकि थोड़ा डिले जरूर हुआ है जिस तरीके से वहां से बताया जा रहा है, लेकिन सुनते हैं जरा क्या मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज के इस तो कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री और यही वो कार्यकर्ता हैं जो एग्जैक्ट फीडबैक जनता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाते हैं और बाकायदा फीडबैक की सुझावों की रिपोर्ट तैयार होती है और जब रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद ही रणनीति बनाई जाती है कि कहां कमी है, कहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, किन बातों पर फोकस करना है, किस बूथ पर सबसे ज्यादा चुनौती है और किस बूथ पर सबसे ज्यादा मतदाताओं को जोड़ना है। कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं लेकिन यहां पर सम्मानित भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और यह बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सबसे पहले जब मंच पर पहुंचते हैं तो अपने इन कार्यकर्ताओं को शीश नवाकर उनका आभार वो प्रकट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि यही जो कार्यकर्ता हैं वही पार्टी की मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। जब ये कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर लगातार मेहनत करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तब जाकर पार्टी की पुख्ता रणनीति बन पाती है और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दौरों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्लस्टर वाइज जो मंत्रियों को प्रभार दिया गया है वो प्रभारी मंत्री और साथ ही साथ जो दिग्गज नेता आएंगे उनके साथ चर्चा और कार्यकर्ताओं से मुलाकात। फिलहाल बाड़मेर से सीधी तस्वीरें, उनकी पहचान है। आप लंबे वर्षों से इस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं और आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मेहनत, आपका समर्पण, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपका बहुत बड़ा योगदान इस पार्टी को सींचने में है। एक एक कार्यकर्ता की भूमिका अलग है क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 60-40 के रेशो में काम करता है। लोग मेरे से कभी कभी पूछते हैं 60-40 का रेशो क्या है। मैं आज का उदाहरण दे देता हूं आपको। आज आपको कहीं ना कहीं जाना था, किसी को किसी काम के लिए जोधपुर जाना था, किसी को जैसलमेर जाना था, किसी को माताजी के साथ जाना था, किसी को पिताजी के साथ जाना था, किसी को अपने व्यापार के काम से जाना था, किसी को पत्नी को लेकर के जाना था, तो बड़ी मुश्किल होती है।
कार्यक्रम जब कैंसिल होता है तो घर में कितना सुनना पड़ता है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता सारे काम छोड़ देता है और उनको मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, वो घर के सारे काम छोड़ देता है और पार्टी के कार्यक्रम में आने को तैयार हो जाता है। इसलिए वो घर के काम को 40% और पार्टी के काम को 60% करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि ऐसे राजनीतिक दल के आप सदस्य हैं और उसमें काम कर रहे हैं। वो अपने विचार से, अपनी संस्कृति से, अपनी भारत माता से, अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाला ये राजनीतिक संगठन है। हमने देखा है कोरोना के समय में राजनीतिक दल तो बहुत है, गिनती करोगे तो हजारों से ज्यादा बैठेंगे, लेकिन वो सिर्फ चुनावी है। कोरोना के समय देखा था, अगर सड़कों पर कहीं कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता था तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, सेवा कर रहा था। सभी जगह जहां आवश्यकता होती थी उसको जब फोन आता था कि आपको वहां जाना है, क्योंकि मैं कंट्रोल रूम देख रहा था पूरे राजस्थान का, मेरे को लगता था बाड़मेर से ये फोन आया, मैं तुरंत कार्यकर्ताओं को फोन करता, कार्यकर्ता का ये कहना होता था कि बस भाई साहब पहुंच गया, चिंता मत करिए, आप इस व्यक्ति के लिए सारी सुविधाएं कराना मेरा काम है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के परिश्रम से, आप लोगों की मेहनत से राजस्थान में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बात तो मुझे बहुत करनी थी, लेकिन मेरे को बार बार मिल रहा है कि आप साहब को 7:30 यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि फिर वहां से उड़ान आपकी नहीं भरेगी, कल के लगातार कार्यक्रम है, आज शाम को जा करके भी मीटिंग है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारे पास हमारा नेतृत्व इतना क्षमतावान है कि 2014 के बाद देश की स्थिति बदलने का हमारे नेतृत्व ने किया है। 2014 के बाद किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा सकता, ये हमारे नेतृत्व की क्षमता है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, प्रदेश की, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ देख रही है, किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं रहा है। जिन राजनीतिक दलों पर भरोसा किया, जनता के साथ उन्होंने धोखा दिया। हमारा नेतृत्व जो कहता है वो करता है, और करता है वो ही कहता है, ये जनता में हमारा विश्वास है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, मोदी जी कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है, यही समय है, आप बोलेंगे मैं कहूंगा यही समय है, सही समय है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, प्रदेश और देश की जनता भी आपकी तरफ देख रही है और ये राष्ट्र भी आपकी तरफ देख रहा है। 2014 के बाद आप सभी जानते हैं, महसूस भी करते हैं, देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, लोग गरीब कल्याण का नारा लगाते थे, लेकिन गरीब कल्याण को हमने धरती पर उतार के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धरती पर उतारने का काम किया है। हम उन माता बहनों का सम्मान भी किया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर के हम चलने वाले लोगों ने नीचे उस गरीब को गणेश मान करके पूजा का भी काम किया है। हमने हमारे देश की सुरक्षा को देखते हमारी सीमाओं को मजबूत करने का काम किया है, तो हमने दुनिया में इस भारत की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में हमारे भारत की, हमारे राष्ट्र की शान बढ़ाने का भी काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आगे प्रदेश और देश के स्थायित्व के लिए
21वीं सदी का भारत बनाने के लिए, 21वीं सदी भारत की होगी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, धीरे धीरे आप सभी लोग महसूस भी कर रहे हैं। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 21वीं सदी भारत की होगी और भारत दुनिया का सिरमौर होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए हम सभी का दायित्व है आने वाले 2024 के चुनाव में, हम 25 सीट जीतते हैं लगातार दो बार से, 25 ही हम जीतेंगे, लेकिन अब की बार जो जीत होगी वो ऐतिहासिक होगी। कोई भी लोकसभा 5 लाख से कम हम नहीं जीते, ये हमें देखना है भाई। हो भाई, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें हमारे वोट कम हो, एक एक बूथ को देखना है, उन भाइयों को जगाना है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, छोटी सी चूक हुई थी जो हमारा देश 1857 में आजाद हो रहा था, छोटी सी चूक के कारण 90 साल लगे थे, 1947 में आजाद हुआ। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, यही समय है, सही समय है, आप जागिए। और उन लोगों को भी बताइए जो चुनाव आते हैं तो किसी हवा के झोंके से, किसी हवा में, किसी उसमें इधर उधर सोचने की बात करते हैं, उनको बताइए कि हमारे भारत के उत्थान के लिए, इस भारत के मान और सम्मान के लिए आपको हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और बड़े बहुमत के साथ बनानी है। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है इस बार फिर एक बार मोदी सरकार इस बार ये हमें नियत करके बताना है। मैं आपके लिए समय कम दे पाया क्योंकि बीच में दो कार्यक्रम थे, उनमें थोड़ा समय लगा। मैं निश्चित रूप से आप सभी, क्योंकि मैं सबसे मिलना चाहता हूं, मैं अधिकतर नाम भी ले सकता हूं, लेकिन समय का थोड़ा सा पीछे से भी बार बार आता है और कहते हैं कि साहब चलिए समय हो गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अब की बार आऊँगा, समय लेके आऊँगा, बाड़मेर के एक एक कार्यकर्ता के साथ बैठूँगा। मेरे बीच में यहाँ स्वतंत्रता सेनानी भी आए हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मेरे बुजुर्ग, मेरे बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, इन्होंने पूरा काम किया है, रूप सिंह जी से लेकर के सभी हमारे बैठे हैं, जनसंघ के समय से काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और देखिए यही समय है, सही समय है, सभी पदाधिकारियों का बात के साथ ही साथ इस बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को एक बार फिर से तैयारी में जुट जाने का आह्वान मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। टारगेट मिल चुका है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए अब मेहनत जमीनी स्तर पर करनी है। आपने सुना मुख्यमंत्री को, इस बात को उन्होंने दोहराया एक बार फिर से कि हमारे कार्यकर्ता हर एक स्थिति में सबसे पहले पार्टी को ऊपर रखते हैं, परिवार बाद में है। बेशक कई कार्य रहते हैं, लेकिन जब बात पार्टी की आती है तो सर्वोपरि पार्टी हो जाती है और पार्टी से ऊपर देश है।